अब आपके समय और पैसों की बचत के साथ आपके शहर सागर में भी ऑनलाइन टैक्सी कैब सुविधा। तो अभी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें एमपी कैब या लॉगिन करें www.mpcab.in पर। चमके बिजली ऐसे चमके है तलवार, बड़े लड़ैया। कुछ कांग्रेसियों ने भाजपा से सुपारी लेकर खुद ही अपने घर तोड़ने की सौगंध खाई है। कंबखत आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे किसी ने इनकी गर्लफ्रेंड छुड़ा ली हो। बुंदेलखंड में कहावत है, एक लड़ंखा 100 बदमाशों पर भारी होता है। ऐसे कई लड़ंखों से भरी कांग्रेस आपस में इस कदर लड़क कट मर रही है। इन लड़ाइयों पर 100-100 घरेलू हिंसा के मामले दर्ज हो जाए वो भी कम पड़ेंगे। करे युद्ध तो छन 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 चारों तरफ गूंजे छनकार, जैसे गगन में चमके बिजली ऐसे चमके है तलवार, बड़े लड़ैया। खबर मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से है, जहां पार्टी कार्यालय में कांग्रेसी आपस में ऐसे लड़े इन्हें विरोधियों की जरूरत ही नहीं पड़ी। कांग्रेस 20 फरवरी को महंगाई विरोध में सरकार का विरोध करने जा रही है। इससे पहले ये आपस में मीटिंग करने भोपाल कार्यालय जुड़े थे, जहां खुद ही कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। मध्य प्रदेश में जब से इनकी सरकार गिरी है तब से ये पगला से गए हैं। पंद्रह महीनों की कमलनाथ सरकार में यह सिर्फ 15 महीनों कमल छाप कांग्रेसियों पर नजर रखे रहे, न खुद के काम हुए न दूसरों के होने दिए। ऊपर से सरकार गिरी तो जरा यह बावले से हो गए। इस पार्टी में इतने गुट हैं कि जितने देश में जातियां नहीं। 3 साल पुराना कांग्रेसी अपना गुट बना लेता है। कांग्रेस में गुटबाजी अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की तरह है, जो कोख में रहकर गुटबाजी के हुनर सीख लेता है। आज इन लोगों ने भोपाल में लड़कर पूरे प्रदेश में कांग्रेस की नाक कटा दी। इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे। यह ऐसे लड़ाइया है कि कमबख्तों को बॉर्डर पर खड़ा कर दो तो इनके आपस में लड़ाई झगड़े देखकर दुश्मन देश पाकिस्तान भी सोचेगा कि हम जितने भारत से नहीं जलते उससे ज्यादा यह कांग्रेस ही एक दूसरे से जलते हैं और लड़ते हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।